धर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर जिधर देखो उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे। पढ़ो सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाए। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है। भगवान की कृपा पाने और अपने सारे पाप नष्ट करने का इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। यदि श्री गुरु जी के द्वारा इस प्रवचन में बताई गई तीन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि होना निश्चित है। क्या हैं वो तीन बातें, चलिए जानते हैं इस सुंदर प्रवचन में। राधे राधे। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी है, सब समय में है तो इस समय में भी है, सब में है तो हम में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से विलग नहीं हूं। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए। चाहे जो हो, थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो, नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत ऐसे, एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। जहां आप रह रहे हो उसे ये मेरा घर है ऐसी भावना का त्याग कर दे। अनिकेत, ये भगवान का दिया हुआ वास स्थान है। कुछ समय के लिए इसमें शरीर निर्वाह कर रहे, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। जैसे स्टेशन में बैठा आदमी आराम से, पर वो बैठा इंतजार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी आवे और उस पर हम यात्रा कर। बस ऐसा ही कुछ स्टेशन जैसा विश्राम है, कब मृत्यु आवे, शरीर छूटे, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा न करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। मन को, वाणी को, शरीर को संयम में रखो, अर्थात भगवत भजन, भगवत वार्ता और मौन। मन का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना। शरीर का शास्त्र संयम से वर्ताव करना। अब माया मुक्त होते चले जाओगे, इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो। श्री भगवान के बड़े अवतार हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु का प्रकट होना, लीला करना, दिव्य गुणों का वर्णन, यदि आप इनको गाएंगे लीलाओं को और श्रवण करेंगे तो मोह की बात क्या, महामोह का भंजन हो जाएगा। बड़ी सामर्थ्य भगवान की, चरित्रों की महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। जहां कहीं कभी भी किसी का उद्धार की बात आई है तो वो भगवत चरित्र सुनने से ही आई है। शरणागति श्रवण से ही प्रारंभ होती है, भक्ति भी श्रवण से ही प्रारंभ होती है, पूर्णता भी श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयो, और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पहला श्रवण। खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए।
अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति ना किसी की निंदा जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारें। प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। ये तीन बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करें, खूब श्रवण करें। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्तमुख भगवद वाणी, भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है, बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले चार लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृप साफ को भस्म करने की सामर्थ्य कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते, बहुत अमृत, बहुत अमृत। प्रभु के रूप के ध्यान के लिए ही दिव्य श्यामा श्याम ने बिहारी जी का रूप धारण किया। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री राधा रमण जी सरकार, राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री बाके बिहारी लाल जी महाराज, ये साक्षात प्रगट ठाकुर है। प्रिया प्रीतम, हमारी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, वो तो हरिवंश नेत्रों से देखे जाते हैं। निकष कुंज ठाड़े वे भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र प्रकट हो जाएंगे, आश्रित जन हो चिंता की बात नहीं, पर ये जो रूप प्रकट है इसके ध्यान में तो तुम्हें कोई श्रम नहीं करना। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, धर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर जिधर देखो उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे। ये तीन बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगी। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जंग तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं, धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल वही घसल करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने। या हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए, ए गले पड़ जाओ, बढ़िया, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसको मतलब सोचते हो मारो पीटो गाली दो भगाओ, नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले अब क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें। ऐसे पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो। भगवान के गले पड़ जाओ, गले आप तो जैसे भी अब आपके हैं, अब तो
हम खूब अल्लाह मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के तुम्हें अपनी इज्जत बचा लियो तो सुधार लो हमें, समझ गए। ये गले पड़ना, हाँ कहावत लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे। और आपके लायक तो हम हैं नहीं, अब आपको अपने लायक बनाना है कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो, अपनी इज्जत संभालनी है तो हमें संभाल लेना, वो संभाल लेते। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। निश्चित ही पूज्य गुरु जी के इस प्रवचन को सुनकर आपको अति आनंद आया होगा और आप श्री गुरु जी के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार कर एक सुखमय जीवन का आनंद लेंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। और राधे राधे लिखना मत भूलना, श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।